रायबरेली से। उत्तर प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्त होने के दावों को फेल करती रायबरेली जिले के सलेथो गांव की सड़क। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त होने के दावे किए गए थे, लेकिन रायबरेली जिला महाराजगंज तहसील के सलेथो गांव की सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है। थोड़ी सी यदि बारिश हो जाती है तो सड़कों पर मानो तालाब जैसा प्रतीत हो जाता है। महीनों तक पानी व कीचड़ से राहगीरों को गुजरना पड़ता है। सूरदास की कुटी से सलेथो गांव तक बहुत ही खराब सड़क है। प्रतिदिन हजारों लोगों की संख्या में आवागमन यहां बना रहता है। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सड़क बहुत खराब है। विद्यालय में 1500 बच्चे इसी रास्ते से पढ़ने आते हैं। रास्ते खराब होने के कारण बच्चों को पैदल भी स्कूल आना पड़ता है। बारिश में बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, जूते व शूज पूरी तरह से भीग जाते हैं। संबंधित अधिकारियों से सड़क बनवाए जाने को लेकर कहा भी गया, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं किए गए। ग्राम सलेथो के ग्रामीणों का कहना है कि काफी सालों से रोड बहुत ही ज्यादा खराब है, दूसरे रास्ते से घूम कर आना जाना पड़ता है। इस रास्ते से साइकिल तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। रास्ते को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा गया है। संवाददाता वैभव सोनकर की खास। क्या नाम है दादा? मंदर अवस्थी। क्या समस्या है आपकी? अरे समस्या ये है कि हमारे यहाँ देख रहे हैं रोड पे इतने गड्ढे हैं कि लोग चल नहीं पा रहे हैं, ना गाड़ी से चल पा रहे हैं, ना पैदल। क्या नाम है दादा? नैन सड्डा में। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, हमारे गांव की रोड जो है बहुत खराब, बिल्कुल कीचड़ कीचड़ भरा हुआ है। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली हमारी सरकार से। सरकार तो कह रही है सारे गांवों की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। लेकिन मुक्त हो गई, लेकिन हमारे यहाँ की तो नहीं हुई है। हम तो अपने अपने यहाँ के कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं हुई है। अजय, अजय जी, यहाँ पे कितने लोगों का आवागमन होता है कम से कम? यहाँ 10,000 आदमी का आवागमन। और ये रोड कब से नहीं बनी? सरकार का कहना है कि गड्ढा मुक्त हो गई है सारी सड़कें, लेकिन आपके गांव की हालत तो वैसे की वैसे बनी हुई है। दीजिएगा। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह, प्रधानाचार्य न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल जो सलेथो गांव में महाराजगंज तहसील में स्थित है। सर यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं आपके? अब आप समस्याएं अभी आप आए ही होंगे, यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे लगता है बहुत सोच समझ करके आपने यहाँ तक पहुँचे होंगे, क्योंकि महाराजगंज और बछरावा जो रोड है उस रोड से सूरदास कुटी से और सलेथो तक आने में लगभग ये 1.5 से 2 किलोमीटर की रोड है। और हाँ, रोड कह सकते हैं रोड है, लेकिन रोड कहीं नहीं है, केवल गड्ढे हैं। डेली हमारे स्कूल के वाहन जाते हैं, बच्चे जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, उनको पैदल निकलना पड़ता है, इतनी रोड की कंडीशन ख़राब है। और अभी देखिए 2 दिन पहले बारिश हो गई थी, मतलब बच्चों के शूज पूरी तरह से कीचड़ में सन गए थे, और अगर गिर गए तो बैग और ड्रेस खराब। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और कई बार हमने स्थानीय मीडिया के माध्यम से भी अधिकारियों को भी बताया कि इसमें कुछ हो, लेकिन अभी तक कुछ फिलहाल हुआ नहीं है। उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्द संबंधित विभाग के अधिकारी सुनेंगे और इस रोड को सही करवाएंगे। अभी आपने कहा कि मैंने अधिकारियों से, कौन से संबंधित अधिकारियों को आपने कहा था? नहीं, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में कई बार भी एग्जाम टाइम में हमारे यहाँ SDM साहब भी आए, CO साहब भी आते हैं, तो जो स्थानीय अधिकारी तहसील स्तर में SDM होते हैं और उस इस रोड से आए। अभी एक कार्यक्रम था सड़क सुरक्षा संबंधित, उस कार्यक्रम में भी यहाँ पर SDM साहब, CO साहब आए और जागरूक किया बच्चों को। अब इसी रोड से ही आए तो उनसे कहा गया कि सब जरा देख लीजिए, ये भी एक पार्ट है सड़क सुरक्षा का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संबंधित लोगों से बात करेंगे, अब आगे क्या हुआ है ये तो वही बता सकते। लगभग इस रोड पे कितने लोगों का आवागमन होता होगा दिन में? अब देखिए लगभग 1,500 बच्चे हमारे ये आते जाते हैं, और कम लगता है 3-4 हज़ार से ज़्यादा तो गांव में हैं लोग, केवल एक गांव सलेथो में ये आते जाते हैं। आसपास से कई पूर्वे हैं, वहाँ के लोग आते जाते हैं। दिन भर ये रोड चलती है, आप एक सेकेंड भी नहीं हो सकता कोई गाड़ी नहीं जा रही पूरी रोड में। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं मिलती रहे, रोड अच्छी बन जाए। बाकी हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो अपना काम अच्छे से करेंगे और बच्चे पढ़ेंगे तो ये भी सरकार का ही काम है, तो रोड पे ध्यान रखना। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि सारे गड्ढे मुक्त हो गए हैं।
हो सकता है एक्चुअल में जहाँ सरकार बैठी है या जहाँ लोग बैठे हैं उन्होंने कोई रिपोर्टिंग कर दी हो कि हाँ गड्ढा मुक्त हो गया है। अब ये तो स्थानीय नेताओं का काम है, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि वो संबंधित विभाग के अधिकारियों तक सूचना पहुँचाए कि नहीं अभी अभी ये काम बाकी है। योगी जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो कह दिया, अब उस आदेश का पालन कराना नीचे के नेताओं का काम है, जो छोटे नेता कार्यकर्ता हैं इनका काम है कि उनकी बात को आगे बढ़ाएं और संबंधित अधिकारियों से कहें। हमें लगता है शायद मुख्यमंत्री तक ये सूचना नहीं है, नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि गड्ढा मुक्त न होती। सर धन्यवाद सर।